अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? इस वक्त जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आज BRT रेड लाइन के एक अपडेट के हवाले से वीडियो बना रहे हैं, और इस वक्त करंट लोकेशन जो है हमारी वो सफूरा चौक पे, जो बिन हाशिम और टोटल का पंप है बिल्कुल उसके पास है। इनफैक्ट टोटल के पंप से हम एग्जिट कर रहे हैं और टूवर्ड सफूरा चौक जाएंगे। यहाँ से हम बस अब यू टर्न लेने लगे। हमारे लेफ्ट हैंड पे फैसल बैंक था और अब हम सामने स्कूल आ गया है। ये रिजवान सोसाइटी है, रिजवान सोसाइटी में एशियन स्कूल है। खाली स्वीट्स जो दिख रही है ये भी रिजवान सोसाइटी के अंडर आती है, के उसमें प्रीमिसेस में बनी हुई है। राइट पे आप हमारे देख रहे होंगे कि ब्लॉक्स लगे हुए हैं और ये दोनों रोड्स पे रखे हुए हैं इन्होंने। अब बस इसका ये है कि प्लांट्स की सारी कटिंग हो चुकी है, अब रोड लेवलिंग फुटपाथ ख़त्म होगा, फिर रोड को लेवल किया जाएगा, तो ये काम चल रहा है हमारे। अब हम इसी देखिए चलेंगे आज सफूरा चौक से, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी ब्लॉक 8 बुलसानी जोन में आएगी वो, और उससे आगे जो बैच है उसकी क्या कंडीशन है, क्या काम हुआ है अंडरपास के लिए, वहाँ पे जो जितना इन्होंने खड्डे किए थे उसकी क्या इस वक्त करंट हालात हैं, तो उसकी वीडियो बना रहे, देखते जाइए, इंशाल्लाह आपको हम अपडेट कर रहे हैं। ये जो लेफ्ट हैंड पे रोड जा रहा है, ये जा रहा है सामने रिमझिम टावर्स, और फिर रिमझिम टावर्स से एक रोड स्ट्रेट जाता है मलिकगंज चेक पोस्ट 5 और सादी टाउन, और ये जो हम अब हम जिस रोड पे कनेक्ट हो रहे हैं ये चेक पोस्ट 6 को स्ट्रेट जाएंगे, तो मलिकगंज चेक पोस्ट 6 रोड पे कनेक्ट होगी। इसमें लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले प्रेम विलास सोसाइटी आएगी, प्रेम विलास का फेज 1 आएगा, फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद फेज 2, और बिल्कुल स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड पे साइमा रेजिडेंसी है वो बना हुआ है। उसके बाद फिर ब्लॉक 8 गुलसानी और ब्लॉक 8 आ जाएगा, और इसी ही रोड पे मजीद आगे जैसे जाते जाएंगे तो वाटर हाइडेंट है, फिर गुलशन उमैर है, फिर सैयद विलेज है, राइट हैंड साइड पे जुडिशल सोसाइटी, बिल्कुल एंड में चले जाएंगे चेक पोस्ट 6 के सामने तो टीपू सुल्तान सोसाइटी। अच्छा, ये रोड इस वक्त जो सामने आप देख रहे हैं एक लेफ्ट साइड से जाने के लिए बनाया हुआ, सामने से एक टैंकर आ रहा है, आने या जाने का एक ही रोड कर दिया इन्होंने, इस पर पूरी कारपेटिंग कर दी है यहाँ से लेके एंड तक। इससे भी रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसमें हम चेक पोस्ट 6 से टूवर्ड्स सफूरा चौक आए। वेल, अब हमने अपना रुख कर लिया है सामने बेकन हाउस स्कूल का, आपको बोर्ड दिख रहा होगा उस तरफ, ये देख रहे हैं आप सामने रोड। पहले आपको हम इस तरफ लेके चलते हैं, ये अंडरपास के लिए इन्होंने खड्डा किया था, अभी इस कंडीशन में ही है, पानी के निकालने का काम चल रहा है शायद, और उसके बाद फिर ये पानी का काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो आई होप फिर लेवलिंग का काम और कारपेटिंग का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले सीवरेज का निज़ाम और सारी चीज़ें इनको ठीक करनी होंगी। आगे क्योंकि रास्ता नहीं है इसलिए हमने वापस गाड़ी घुमा ली है, और ये सामने ये ग्लोसानेज और ब्लॉक 8 है जिसमें आपको बिगन हाउस स्कूल, फिर उसके पीछे ब्रैगडन स्कूल है, ये सारे स्कूल्स हैं इसी में आते हैं, और ये सामने जो फ्लैट्स देख रहे हैं ये साइमा प्रेसिडेंसी है, सफूरा चौक साइमा प्रेसिडेंसी। इसमें हमारे पास अगर आप परचेजिंग या रेंट के हवाले से कमर्शियल में कोई चीज़ चाह रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आप अपार्टमेंट्स की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास मौजूद है, हमारे व्हाट्सएप पे वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वेल, अब हम इस रोड पे आ गए, पहले हम जाएंगे स्ट्रेट और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तकरीबन एक महीना पहले तक तो इस रोड पे जाया नहीं जा सकता था, क्योंकि इन्होंने सीवरेज के लिए बरसाती नाले का या सीवरेज के लिए लाइन वाइन बनाई थी। ये हमारे राइट हैंड पे सिटी स्कूल आ गया, फिर सिटी स्कूल के बाद रिसेंट बहलिया स्कूल का आपको बाउंड्री वॉल दिखेगी, ये भी रिसेंटली इन्होंने नई दीवार वगैरह बनाई है, ये रिसेंट बहलिया स्कूल।
कंडीशन तो डेफिनेटली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस पर ट्रैवलिंग हो भी नहीं रही है। हम सिर्फ आपको रोड के अपडेट के हवाले से स्पेशली यहाँ पे आए हैं, वरना वैसे तो इधर से आने और जाने के लिए रोड अभी ओपन नहीं किया है। जिसको आना है या जो लोग, ये जैसे हमारे राइट हैंड पर गवर्नमेंट स्कूल आ गया कुछ टाइम पहले तक, यहाँ पे जो हमारे फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी रिहाइश भी थी, तो उन लोगों के लिए भी आने जाने के लिए बस एक्सेस दिया हुआ था। या जैसे स्कूल के स्टाफ वगैरह आपने पीछे देखा है वो है। अब इसके बाद जो है कराची रेस क्लब आएगा, तो यहाँ पे भी ज़ाहिर है लोग रहे तो नहीं है, जो स्टाफ है इनका वो रिहाइश भी है अंदर, तो उनके लिए आने जाने का सिर्फ एक्सेस था। बाकी जो ट्रैवल कर रहे हैं एक किसी एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो हजरात जो है वो सारे वो जो लेफ्ट हैंड पे हमारे रोड जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिखाया था उस रोड पे ट्रैवल करते हैं। ये हमारे राइट हैंड पे जो गेट गुजरा है ये कराची रेस क्लब का गेट है, और ये जो बाउंड्री वॉल दिख रही है ये भी कराची रेस क्लब की है। अब हम इसी रोड पे से आगे जाके लेफ्ट हैंड पे कनेक्ट होंगे, और ये जब तक ये काम नहीं स्टार्ट हुआ था तो ये जो सामने आपको छोटा सा दिख रहा है पॉइंट, ये बस स्टॉप था, गुलशन उमैर का बस स्टॉप कहलाता था। और ये सामने आपके जो करोला के बैक साइड पे, अभी आप जैसी करोला हटती है तो ये टैंकर जहाँ से घूम रहा है बिल्कुल इसके सामने से गुलशन उमैर की एंट्रेंस बनी हुई थी। इस ही रोड को मजीद कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि इस वक्त क्या कंडीशन है रोड की, कहाँ तक इस रोड पर ट्रैवल किया जा सकता है। जो अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो ये राइट साइड पे जितना भी आपको मिट्टी दिख रही है ये सारी झाड़ झंकार था, यहाँ पे सारी झाड़ियाँ थी, इन्होंने ये सारी झाड़ियाँ अगर ख़त्म कर दी हैं। और कुछ टाइम पहले तो हैवी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही थी, और नाले का जो है वो सीवरेज की लाइन जो है वो बेसिकली डल रही थी, ताकि जो भी बारिश का पानी या सीवरेज का निज़ाम जो इस सोसाइटीज़ को कनेक्ट करती हैं उनका वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो आपको एक टैंक दिख रहा है ये भी कराची रेस क्लब की ही प्रीमिसेस में आता है, कराची रेस कोर्स क्लब जो है यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर कराची जुडिशल सोसाइटी है, कराची जुडिशल सोसाइटी के बाद सहारनपुर, और फिर सहारनपुर से ही कनेक्ट होती है टीपू सुल्तान सोसाइटी। अब ये देख रहे हैं आप मुख्तलिफ जगह पर इन्होंने बहुत ज़्यादा गहरे खड्डे किए हुए हैं काम के हवाले से, और ये सामने आपको बिल्कुल एक खड्डा दिख रहा होगा ट्रैक है, ये सारा बनाया है इन्होंने बरसाती नाला, इसमें आपको प्लास्टर हुआ हुआ भी नीचे दिख रहा है जैसे छत डली हुई हो। तो हमारे इस पे हम मज़ीद आगे जाने की भी कोशिश करेंगे, देखते हैं जहाँ तक जा सकेंगे लेकर जाएंगे, आप लोगों को अपडेट रखेंगे। ये रोड जो है ये बीच का असल में होगा ये कि बीच वाला फुटपाथ जहाँ पे कचरा भी दिख रहा है या बंदी जो वॉक करना है, ये सारा फुटपाथ जो खत्म होगा और इसी ट्रैक को ये लोग बनाएंगे रेड लाइन की ट्रैवलिंग के हवाले से। अब हमारे राइट हैंड साइड पे जो बाउंड्री वॉल चल रही है ये कराची जुडिशल सोसाइटी की है, और कराची जुडिशल सोसाइटी के से ही बिल्कुल कनेक्टेड है हमारी सहारनपुर सोसाइटी, और फिर सहारनपुर के बाद टीपू सुल्तान सोसाइटी। इन सब के अंदर टीपू सुल्तान में और कराची जुडिशल में, इन दोनों के अलावा जैसे सहारनपुर है उसमें 120 की तो कैटेगरी है, लेकिन बाकी 200, 400 और 600 की कैटेगरी है बाकी दोनों सोसाइटी। सो हमारे चैनल पे ही अपडेट रहिए, इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम मज़ीद आपको वीडियोज़ बना के अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, फिर अल्लाह हाफिज़।